भोजन पर बहुत स्वादिष्ट बना था। नवरात्रि की सुबह 13 सितंबर 14 सितंबर भरी है, अक्टूबर भरी है। मेरा इस सुबह में यह अनुभव है कि यहाँ हमें स्कूल की दौड़ा दौड़ी, ट्यूशन की दौड़ा दौड़ी से शांति मिलती है। हमें यहाँ शांति का अनुभव होता है। हमें यहाँ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठाया जाता है। फिर हमें स्नान आदि करके प्राणायाम कसरत जो सूर्य को अर्घ्य तुलसी सेवन संध्या वह करनी होती है। उसके बाद हम नाश्ता करने जाते हैं। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमें सुबह 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 के वातावरण में और यहाँ हरी हरी घास में हमें सूर्य नमस्कार कराया जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद हमारा 2 सत्र लिए जाते हैं। फिर हमें भोजन दिया जाता है। भोजन हमारा बहुत सात्विक और सात्विक होता है। भोजन के बाद हम थोड़ी देर विश्राम लेते हैं। फिर हमारा फिर से सत्र शुरू होता है। इस तरह हम दोपहर का भी सत्र लेते हैं। फिर हम शाम को 5 बजे खेलने जाते हैं। तो बोलेंगे मुझे शिविर बहुत अच्छा लगा, मैं दिवाली हिंदुस्तान शिविर में आऊँगा। इस नवरात्रि के शिविर में हमें कबड्डी, खो खो, दौड़ और मस्ती नहीं करूंगा ऐसा बोलता से हमारा मनोरंजन भी किया गया। और रात को हमें सत्संग भी दिया गया। इस बार भी दीपावली की शिविर है, तो आप सब भी वहाँ जरूर आइए। मुझे तो इस शिविर में बहुत अच्छा लगा। रही ये शिविर में आने से पहले मुझे तो थोड़ी घबरामन हो रही थी, पर यहाँ 2 दिन पसार करने के बाद मुझे सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ भोजन भी मिलता था, टाइम पर सत्संग कीर्तन वो सब कुछ होता था। वहाँ मुझे मैं इन सब में लीन हो गया था। अब मैं अहमदाबाद शिविर में भी जाऊँगा। साधो साधो। मेरा नाम अभिषेक सोनी है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैंने ऐसे तो काफ़ी सारे शिविरों में गया हूँ, लेकिन मुझे इस वाले शिविर में काफ़ी आनंद आया। मुझे घर जाने की बिल्कुल याद नहीं आई। मुझे आश्रम में काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। प्राणायाम कराए गए, सुबह सुबह 4 बजे उठाया गया, संध्या कराई गई और कई सारे अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई। और हमें काफ़ी सारे महापुरुषों के बारे में बताया गया, जिससे कि हमारा ज्ञान काफ़ी अच्छा हुआ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अहमदाबाद के दीपावली के शिविर में जाऊँ। हरी ओम। मुझे शिविर में बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हमें टाइम पर खाना, हमें 5 बजे खेलने के लिए ले जाते थे और हमें बहुत मजा आया। हरी ओम। और मैं अहमदाबाद फिर से जाऊँगा। कभी नहीं गया, फिर मैंने इस शिविर में मेरा पहला अनुभव। इस शिविर में मुझे बहुत मजा आया। यहाँ पर नया नया जाके मिला और नए संस्कार मिले। वहाँ सभी गुरुजन से मेरी दोस्ती हो गई। वो मुझे भी पढ़ाते और सभी को पढ़ाते। वो हमें खेलने ले गए। वहाँ बेटा वीडियो कबड्डी हुई, वहाँ पर हमें बहुत आनंद आया। और रात को सो गए। वहाँ सुबह दूसरे दिन हमें नहा धो के तैयार हो गए। यहाँ शिविर में आए थे। यहाँ पर योग कसरत और सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के लिए बहुत आनंद आया। इस शिविर में हमारा पहला मेरा अनुभव था, इसमें मुझे मजा आया और मैं अगला शिविर में भी जाऊँगा। साधो साधो साधो। इस शिविर में हमें बहुत लाभ मिला। हमें आसन, सूर्य नमस्कार, खेल कूद सब सिखाया गया है। अब प्राणायाम जैसे बोलने का, क्या करने का, बहुत अच्छा लगा। मैं हर वक्त हमेशा दिवाली शिविर में आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर भी मैं आता हूँ, इधर बहुत आनंद आता है। इस बार भी मैं दिवाली शिविर में जाऊँगा। मैं दिवाली पे जाऊं। साधो साधो साधो।